आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू थिंक न्यू, यू हैव टू डू समथिंग वेरी न्यू. एंड ऑफकोर्स दैट इज़ द डिमांड ऑफ माई प्रोफेशन. आज अगर वीना मलिक आपको लेटेस्ट फैशन या कपड़ों में नज़र नहीं आती है या फिर नए नए इनोवेटिव तरीके अख्तियार नहीं करती है अपनी एक्टिंग स्किल्स में या फिर अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए नए इनोवेटिव तरीके अख्तियार नहीं करती है तो वीना मलिक विल बी लॉस्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल इन द रेस. सो जिंदगी 50-50 को प्रमोट करने के लिए भी मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी टीम के साथ मिलकर हम कुछ अलग और कुछ नया करें और वो नए और अलग में कोई मैसेज होना चाहिए. वो सिर्फ फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए. लिहाजा जब कमाती पूरा में मैंने इस किरदार को चुना माधुरी को तो ये मैंने खुद के साथ ही वादा किया था कि मैं फिल्म की जब प्रमोशन शुरू करूँगी तो कमाठी पूरा में मैं जाऊँगी और मैं लोगों को उनकी बेटरमेंट के लिए, देखिए कमाठी पूरा या ग्रैंड रोड या ऐसे इलाके जहाँ से बॉलीवुड के हज़ारों किरदार, सैकड़ों किरदार, बहुत सारी फिल्में बनी मगर आज तक कोई भी शख्स जो है वो उन इलाकों में गया नहीं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए. आई थॉट आई गो देयर एंड आई वेंट देयर एंड आई कम्प्लीटली एंजॉय बिकॉज माधुरी का जो किरदार है वो उन्हीं इलाकों से चुना गया था और उन्हीं इलाकों पर ही जाकर उसको प्रमोट करना चाहिए. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि माय फर्स्ट मूवी और पता नहीं कि जिस तरह से मुझे सीरियल में, टेलीविज़न में इतना प्यार और इज्जत मिली है तो शायद मेरे जो फैंस हैं उनको ये भी अच्छा लगे. आई होप कि सब अच्छा हो. थोड़ी नर्वस हूँ तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती.